सो गाइस एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है मैंने, तो फाइनली अब निकलना पड़ेगा। कम टू होम स्वीट होम। ओह माय गॉड, जय हो माता शक्ति देना इस बार के लिए, थैंक यू सो मच। सो गाइस वेलकम ऑन बोर्ड। दिस व्लॉग विल बी अ साइन ऑन व्लॉग एंड इट्स वेरी स्पेशल। क्यों स्पेशल है आप लोगों को पता लगेगा एंड ऑफ द व्लॉग, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड और लेट्स बिगिन द फकिंग जर्नी। सो गाइस वी आर इन द एयरपोर्ट, पार्किंग कर दी गाड़ी की और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डिपार्चर। पूरी स्टोरी सुनाऊंगा बट पहले फैमिली के साथ आराम से। हम लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि आधा घंटा टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, 5 घंटे से पहले आ गया हूँ। फैमिली के साथ और टाइम स्पेंड कर देंगे। मम्मी यहाँ पर नहीं है बिकॉज देयर इज हिमाचल, बट वाइफ है, स्वाति आएंगी, फिर सासू माँ है और भाई है। लेट्स गो। ये देखो कौन आया, ओवर एक्टिंग की दुकान आ गई। हेलो ब्रो कैसा है? बस बस क्या, हाय कैसा जा रहा एग्जाम्स? नाउ वी आर हेडिंग, अंदर आ गए हैं। मेरी फ्लाइट है कतार एयरवेज। गाइस नाउ बैगेज चेकिंग के लिए मैं रेडी हूँ। दिस इज़ इंडिगो। अब मैं इंडिगो से क्यों जा रहा हूँ कि कतार ने बोला है भाई तुम इंडिगो से जाओ दोहा तक। नाउ आई एम गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दोहा, दोहा से सियाटल जा रहा हूँ और सियाटल से आई एम गोइंग टू अलास्का। नाउ आई एम गोइंग फॉर सिक्योरिटी चेक इन। सो गाइज अपना इमिग्रेशन भी फिनिश, नाउ आई एम वेरी मच फ्री। ये मैंने जूबी को बोला था रुकने के लिए, अगर कुछ इधर उधर होता है तो एटलीस्ट वो है तो मैं वापस जा सकता हूँ या कुछ भी। क्योंकि मेरा पिछली बार, अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा है, जब मैं पिछली बार शिप ज्वाइन कर रहा था तो बहुत बुरा हाल हुआ था, तो मैं नहीं चाहता था कि इस बार भी वैसा हो, तो इसलिए मैं जूबी को बोला रुकने के लिए। अभी तो मैं फ्री हो चुका हूँ, नाउ आई कैन से यार कि जाओ यार रेस्ट करो। अभी मेरी जो फ्लाइट है वो है सुबह 4 बजे की, अभी बज रहे हैं 1। सो गाइज एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है मैंने, और वो क्या रिस्क लिया है आपको इस वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। एंड आई एम वेरी मच पैशनेट भी हूँ उस चीज़ को लेकर के, डर भी लग रहा है कि भाई सही है कि गलत है वो मालूम नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट होगा तभी समझ में आएगा, और वो मैं कंटिन्यू करूँगा कि नहीं करूँगा वो भी मुझे मालूम नहीं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद ही आएगा। बट ये पता करके रखो कि हर सेलर का वो ड्रीम रहता है, जब भी आप वो वाला शिप देखते हो ना ऐसे लगता है कि यार हमको भी शिप में जाना चाहिए। आप गैस करो और कमेंट में बताओ कि भाई मैं कहाँ ज्वाइन करने वाला हूँ। थैंक यू थैंक यू। सो गाइस बोर्डिंग फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट। दोहा बिल्कुल भी सोया नहीं हूँ, परेशान बैठा था वहाँ पर, बट फाइनली दोहा पहुँच गए हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट इसलिए भाग रहा हूँ, फटाफट जाऊँगा, सुबह के 6 बज रहे हैं यहाँ पे। वेलकम टू दोहा गाइस। देखिए इतनी सुबह के 6 बज रहे हैं पर भीड़ देखो कितनी है। मैं एक्चुअली दोहा बहुत बार आया हूँ बट एवरी टाइम कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए ही आया हूँ, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं आया हूँ। अरे याद आ रहा है वहाँ पर हमने फ़ोटो खिंचाई थी, ये वाला रेस्टोरेंट जो आप पीछे देख रहे हो यहाँ पर हमने खाया पिया था। तो मेरा है C1 से निकल के जाना है हमको ऊपर, वहाँ जाना है वहाँ पर इंटर टर्मिनल जाना है, तो यहाँ से आपको ट्रेन आएगी और ट्रेन यहाँ खड़ी है वो रही। हमें तो नहीं जाना क्योंकि हमारा नंबर कुछ और है। वाह वाह सही है।
गाइस इन द फ्लाइट अभी मैं सो गया था यार, बहुत तगड़ा सोया हूँ। 4 घंटे और बचे हैं सियाटल पहुंचने के लिए, बट सबसे बड़ी सुविधा या दुविधा बोलो वो ये है कि मेरे को ले ओवर है सियाटल में। सियाटल में ले ओवर 9 घंटे का है और 9 घंटे मुझे एयरपोर्ट पे टाइम पास करना पड़ेगा। फिर वहां से जाएंगे अलास्का, मजा आने वाला है। एक बहुत ही मस्त चीज बताता हूँ, मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे अलास्का जाना है, तो कैसे जाना है, कब जाना है वो पता नहीं था। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, आई एम गोइंग टू अलास्का माय फ्रेंड। ये सो गाइस फाइनली हम लोग सियाटल पहुंच गए हैं और आई एम फीलिंग रियली फ्रेस्ड, मतलब मस्त सोया हूँ। और सियाटल यहाँ पर मेरे 9 घंटे का ले ओवर है, तो थोड़ा चिल मारूंगा, आराम से रिलैक्स करके सब करूंगा। मतलब अब इतनी दूर, मतलब 20 घंटे की फ्लाइट, मतलब अभी और मुझे यहाँ से सियाटल से अलास्का जाना है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, 3 घंटे का है, बट फिर भी बहुत है। दिक्कत क्या है कि हमको अपना बैगेज जो है फिर से लेना पड़ेगा, और वो जो बैगेज है फिर से हम लोगों को चेक इन करवाना पड़ेगा। पता नहीं क्या रेगुलेशन है, बहुत लंबा चलना पड़ रहा है, बट एयरपोर्ट बहुत सेक्सी लग रहा है, बहुत मस्त दिख रहा है। सो गाइस फाइनली इमिग्रेशन फिनिश हुआ और यहाँ पर यूएसए है, तो यूएसए में आप जानते हो भाई क्या सीन रहता है। फर्स्ट टाइम यूएसए से साइन ऑन कर रहा हूँ, मतलब साइन ऑन नहीं है बट यूएसए में अगर आप कोई भी एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको इमिग्रेशन करवाना ही पड़ता है। आपको बिठाते हैं वो लोग, फिर एकदम थॉरो चेकिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या नौटंकी है इन लोगों की। 3 घंटे लगा दी इन लोगों ने, 3 घंटे। पानी बहुत प्यास लगी हुई है, अभी सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर जाना है यार, चेक इन करना है, और 1-2 घंटा गया। तो गाइस यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट गेट्स हैं, जैसे एस गेट के लिए ट्रेन है, तो बस ट्रेन में जा सकते हो आप। मेरा एन गेट है, एन गेट के लिए पता नहीं क्या है, हाँ इसके लिए भी शटर है। अभी 3 घंटे और बचे हैं, मुझे टाइम पास करना ही है। दिस इज सिएटल, सिएटल कोई तो एक गेट है, एन में आ गए हैं। अभी मैंने थोड़ा मोड़ा कुछ खाया और अभी बहुत टायर्ड हो गया हूँ। बहुत ब्यूटीफुल है बाहर, मस्त दिख रहा है, बट यहाँ से जा रहे हैं अलास्का। एक्चुअली दुख इस बात का हो रहा है, मेरे को विंडो सीट मिली है बट रात का टाइम होगा ना 9:45, तो कोई फ़ायदा ही नहीं, कुछ दिखेगा ही नहीं, वरना अगर दोपहर में जा रहे तो और मज़ा आता है यार, बट कोई बात नहीं, चलता है। अभी आई थिंक 2 घंटा सोऊंगा, उसके बाद देखते हैं। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, रेडी टू गो, वेरी हैप्पी बिकॉज फाइनली अब निकलना ही पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया साला। थैंक यू, बढ़िया सिस्टम है आ गया। सो गाइस फाइनली बोर्डिंग, लास्ट फ्लाइट 2.5 आवर्स की है, मस्त एकदम निकाल दूंगा भाई, जल्दी जल्दी फटाफट देने के लिए, एकदम मस्त चिल्ड है। मुंबई में सर इतनी गर्मी थी, यहाँ पर गर्मी नहीं है भाई, इतना चिल्ड है यहाँ, 13 डिग्री है, अलास्का में 5 डिग्री है, फुल ऑन मज़ा। अलास्का में हमारे साथ बहुत लोग हैं अभी, एंड वी आर गोइंग। बहुत ठंड है भाई यहाँ तो, ये अपनी गाड़ी। सो गाइस वी हैव चेक्ड इन,
रूम में चेक इन कर दिया है, सेकंड फ्लोर चलते हैं। रात का टाइम है तो ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल सब कुछ बढ़िया जा रहा है, सब कुछ बढ़िया है। आज शिप नहीं आया है, कल शिप आएगा। एंड टुमारो वी हैव टू लीव एज यूजुअल बाय 8 o'clock आई थिंक। अपना रूम की तरह वेलकम टू होम स्वीट होम फॉर अनदर 8 hours, 8 घंटे के लिए। भाई हालत देखो भाई साला 31 hours। सो गाइस दिस इज अवर होटल, बहुत बढ़िया है। मैं थोड़ा बाहर हवा खाने आया हूँ, देखते हैं। मतलब सुनसान है सब कुछ, बहुत बहुत बढ़िया है यार। हम लोग पहुँचे लेट एकदम रात को। सो गाइस नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए हैं। सुबह 8 बजे निकलना है, तो बैग वैग मैंने सब जो पैक था थोड़ा सामान निकाला, थोड़ा चेंज किए कपड़े वगैरह। फिनिश स्टोरी, अब हम मस्त सोएंगे। और कल आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा सरप्राइज़ है, आप लोगों के लिए, मेरे लिए बहुत बहुत ही खतरनाक सरप्राइज़ है। सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अलास्का। आप देखो ये जो एरिया है ना, बहुत ब्यूटीफुल है। ओ माय गॉड, पहाड़ी देखो यार तुम लोग। हिमाचल की याद आ गई यार, फिट। वो देखो दिख रही है बाड़ी, ब्यूटीफुल ब्यू। जस्ट नाउ ब्रेकफास्ट किया है, अभी 7 बज रहे हैं। आई थिंक 8 बजे हम लोग निकलेंगे यहाँ से, और हमारा जो शिप है वो जनू करके ये पोर्ट है, यहाँ पर आ गया है। ऊपर से दिख रहा है, मेरे कैबिन से नहीं दिख रहा, बट बाकी जो लोग हैं उनके कैबिन से दिख रहा है। चलते हैं, एकदम बढ़िया वाली खुशी। जल्दी भी उठ गया, खुश भी हूँ। पहली बार सुबह उठ के खुश हूँ मैं, और वो क्यों हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगा बहुत जल्द। नीचे जाएंगे, शायद 8 बजे आएगी, मालूम नहीं। सब लोग तो नीचे चले गए हैं, मुझे मालूम नहीं, इसलिए मुझे भी जाना ही पड़ेगा। लेट्स गो, वैसे भी कुछ काम नहीं है यहाँ पे। नीचे जाएंगे, थोड़ा पहाड़ों को देखते हैं और क्या। Beautiful man, beautiful. So guys, welcome on board. Let's go. बहुत ही बेहतरीन फीलिंग, और सामने आप देख रहे हो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। So guys, this is Princess Cruise का Grand Princess, and we as a crew are going inside now. बहुत लोग हैं। सो गाइस अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ पर सब क्रू का चेक इन हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे। यस गाइस, लेट्स गो इनसाइड ग्रैंड प्रिंसेस। सो ये सब पब्लिक जो आप देख रहे हो, ये सब जॉइनिंग वाली पार्टी है, और ये है अलास्का यहाँ पे। ये भगवान शक्ति देना। वेरिफिकेशन के लिए सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स बैक। शायद सब पेपर वेरिफिकेशन होंगे। एक डेक डाउन, खुशी देख रहा मेरे चेहरे पे कितनी है। तो गाइस बॉलर सूट और जूते मिल गए हैं। यूनिफॉर्म मैं नया हूँ, पहली बार हूँ, इसलिए
थोड़ा टाइम लगेगा। सो गाइस अभी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ने हमारा बहुत सारा फेमिलाइजेशन करवाया, थोड़ा मोड़ा। आज का दिन पूरा फेमिलाइजेशन में जाएगा, ट्रेनिंग में जाएगा। यहाँ पर आकर माहौल बहुत चिल्ड है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको इंजन रूम में भागना। अभी तक मैंने इंजन रूम देखा भी नहीं है जहाँ पर मुझे काम करना है। अभी मेरे को अपने रूम में जा रहा हूँ, बट सर रूम के लिए कुछ पता नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर आ रहा है, वो मुझे लेके जाएगा। फिलहाल के लिए मौसम एकदम चिल्ड है, मज़ा आ रहा है, और थोड़े थक गए हैं और भूख भी लगी है खाना खाना। सो गाइस दिस इज़ माय रूम, ये रहा हमारा रूम, दिस इज़ द बेड, मस्त टीवी है, हर जगह मिरर लगे हुए हैं, वो बहुत ही बढ़िया वाली बात है। वॉशरूम आपको दिखाता हूँ, वॉशरूम में भी मिरर लगा है, बहुत ही प्यारा। ये रहा आपका वॉशरूम, ब्यूटीफुल। यहाँ पर अपने कपड़े सजाएंगे, अलग से टूर तो बाद में दूंगा, बट अभी के लिए ये देख लो। नाउ दिस इज जो टूरिस्ट आते हैं उन लोगों का रूम है। सो एक महीने के लिए ये रूम मेरे पास रहेगा, बिकॉज जो बाकी रूम्स हैं इन ECR के पास वो सब ऑक्यूपाइड है, क्योंकि मैं जो हैंड ओवर लूँगा तो एक महीने के बाद जो मेरे को रिलीव करने वाला बंदा है वो जाएगा। तो एक महीना हमारे पास एकदम चिल्ड माहौल। आज के लिए सिर्फ सेफ्टी ट्रेनिंग है। अभी मैं जाऊँगा लंच करूँगा, 12-11 हो गया, लंच करूँगा, थोड़ा लोगों से मिलूँगा, मस्त लोग हैं सब, बढ़िया एकदम। ये वाला व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स टू कम ऑन बोर्ड। देखते हैं कैसे क्या होता है। आई एम न्यू, नया हूँ मैं यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ होगी, बट बाद में इवेंचुअली धीरे धीरे करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऐसे देखते रहना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट जरूर छोड़ना।